नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का घर बाहर कार्यक्रम में दर्शकों एक देश तब तक यश के शिखर तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधे मिला कर ना चले एक महिला के बिना हम एक सफल समाज की कल्पना नहीं कर सकते जी हाँ दर्शकों आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही सफल महिला से करवाने जा रहे हैं और आप हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की डॉक्टर श्रावणी मलिक जो कि डिब्राइट में लेक्चरर के रूप का रूप में कार्यरत हैं डॉक्टर श्राब ने आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को भी मेरे तरफ से नमस्कार जी दर्शकों कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये एक सजीव कार्यक्रम है और आप इस कार्यक्रम को कहीं भी कहीं भी देख सकते हैं सोशल मीडिया आ, पे भी देख सकते हैं तो अपने मोबाइल सेट पर भी आप देख सकते हैं टीवी के अलावा इसके लिए एक्स हैंडल पर जाकर हमें फॉलो करें एट डी डी के अंडर स्कोर पोर्ट प्लेयर लाइक करें हमारा फेसबुक पेज हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट प्लेयर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट प्लेयर दर्शकों आप हमारे इस कार्यक्रम को आपके टेलीविजन के अलावा मोबाइल सेट पर भी देख सकते हैं सीधे लाइव जाकर तो डॉक्टर श्रावणी सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की है देखिए मैं इसी मिट्टी की बेटी हूँ मैं यहाँ पैदा हुई हूँ बट बेसिकली मैं पश्चिम बंगाल से हूँ लेकिन पली बड़ी यही हूँ मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी इन द्वीपों में ही हुई है मैं मॉडल प्राइमरी स्कूल जो मिडिल पॉइंट में हुआ करता था मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई जी, जी। आपके परिवार में कौन कौन है देखिए मैं हर महिला की तरह एक साधारण महिला हूँ मैं एक माँ हूँ एक बेटी हूँ एक बहू हूँ और एक पत्नी भी हूँ मेरे दो बेटे हैं जो बड़ा बेटा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है छोटा बेटा जो है स्कूल में है यहीं पढ़ रहा है जी जी और साथ ही साथ मैं एक सरकारी नौकर भी हूँ मैं जैसे कि आपने बताया मैं डॉक्टर बी बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैं लेक्चरर हूँ जी मैं। जी मैम जैसे कि आप एक लेक्चरर है एक प्रवक्ता है तो आ, मतलब इसकी प्रेरणा जो है ये आपको कहाँ से मिली और कैसे जी देखिए बचपन से ही मुझे बच्चों को पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता था मैं शायद अपने से एक या दो क्लास छोटे बच्चों को पढ़ाती थी मुझे बच्चों से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाई को शिक्षा को कैसे जो है बहुत रोचक तरीके से बच्चों तक पहुंचाना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे इलेवेंथ ट्वेल्थ में ही आ, मैंने जो है बायो ड्रॉप कर दिया था और कंप्यूटर साइंस की तरफ मेरी रुचि बढ़ गई थी उसके बाद मैंने क्योंकि परिवार की जो स्थिति है बहुत बहुत अच्छा नहीं था तो इसीलिए मैंने यहीं से ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैंने डिब्रेड से पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया और फिर मेरी शादी हो गई उसके बाद मैंने जो अपनी हायर शिक्षा है जो मैंने एम किया पी किया एम किया वो मेरी शादी के बाद ही हुई जब मैं खुद जो है जो अर्न करने लग गई थी तो मोस्ट ऑफ़ दी स्टडीज़ मैं नौकरी तो ऑलरेडी मैं चली मतलब घुस गई थी मैं शादी से पहले बट मोस्ट ऑफ दी स्टडीज़ आई हैव प्रस्यूड आफ्टर माय मैरिज तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि शादी के बाद अब घर पे रहते अपना घर गृहस्थी संभालते हुए भी अपने आप को आगे बढ़ाना क्योंकि ये सोच मेरे अंदर थी कि मुझे आगे कुछ करना है बिल्कुल तो फर्स्ट जब 2012 में हमारा अपॉइंटमेंट यूपीएससी अपॉइंटमेंट हुआ तो तब हम जो है यूपीएससी के थ्रू लेक्चरर अपॉइंट हुए जी जी मैम मैम आज भी कई सारी महिलाएं ऐसे हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं लेकिन वो अपने सपने को वहीं पर जो है रोक देते हैं इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे तो अब हम आपकी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहते हैं मैम कई सारे अचीवमेंट्स हासिल किए होंगे आप, आपने अपने करियर के दौरान तो अपने अचीवमेंट्स के बारे में आप हमें थोड़ा बताइएगा और हमारे दर्शकों को भी जी देखिए अचीवमेंट मेरे हिसाब से अचीवमेंट ये है कि अपने काम को संपूर्णता से करना और दिल मन से करना दिल लगा करना Uh, अगर आप उपलब्धियों की बात करें तो एल जी कमेंडेशन अवार्ड मुझे अभी 26 जनवरी को अभी हाल ही में मिला है uh -huh. इससे पहले स्टेट हायर एजुकेशन प्लान बनाने के लिए भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ने अप्रिसशन लेटर दिया फिर द्वीपों में 2019 में एक जॉब फेयर हमने कराया था उसमें भी हम मैंने एक्टिव भूमिका निभाई है uh, जो राष्ट्रीय उच्चतर योजना है उसके लिए ये जो स्टेट हायर एजुकेशन प्लान बना था तो उसमें मैंने बहुत ही uh, मतलब योगदान अपना दिया है देन आई ट्रिपली का एक वर्कशॉप कराया था उसके लिए मुझे आई ट्रिपली से नेटवर्किंग पे एक वर्कशॉप कराया था उसके लिए आई ट्रिपली ने मुझे एक अप्रिसिएशन लेटर दिया है और साथ ही साथ एन जो नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इन्हैंस लर्निंग है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए जहाँ आई जैसे संस्थान जो है तकनीकी शिक्षा और कई सारे कोर्सेज़ कई डिसिप्लिन आप आर्ट्स कह लीजिए साइंस कह लीजिए कॉमर्स कह लीजिए और इंजीनियरिंग कह लीजिए सारे स्ट्रीम्स में जो है कोर्सेस ऑफर करते हैं जो आई ऑफर करते हैं उनका एम ये है कि दूर दराज के बच्चे जो शायद इस तरह प्रीमियर इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ पाते तो ये आउटरीच प्रोग्राम है वैसे युवाओं को जुड़ने के लिए तो इसके लिए मुझे कई बार एक्टिव स्पॉक मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ कॉर्डिनेटर इन दीज आइलैंड्स मुझे एप्रीसिएशन लेटर मिला और पर्टिकुलरली कोविड के दौरान जब सब चीज़ रुक गया था तो ऑनलाइन एजुकेशन उस समय बहुत ऊपर आया और तब जो है युवाएं इससे जुड़े और उनको जो है उस समय कोविड सर्टिफिकेशन इस तरह के जो टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए मिला है तो उस समय भी बहुत अप्रीशिएट किया गया था कि मैं बहुत एक्टिव भूमिका मैंने निभाई थी उस समय जी तो ये ऑनलाइन दो सेमेस्टर में चलते हैं जनवरी सेमेस्टर तो ये हम रजिस्टर दे तो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है फ्री होता है लेकिन एग्जाम फीस होता है थाउजेंड रुपीज का आप बिना एग्जाम लिखे भी इसको पढ़ सकते हैं लेकिन अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको एग्जाम लिखना होता है साथ ही साथ में ये एक नवीनतम उपलब्धि है आई मद्रास की ऑनलाइन डिग्री दे रहे हैं एस डिग्री जो बैचलर ऑफ साइंस बाय रिसर्च डिग्री है ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में आईआईटी जो है प्रोवाइड करती है तो कई बच्चे जो ऑलरेडी बी बी वगैरह कर रहे हैं वो भी इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और नोवल अच्छा। डिग्री के साथ अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मैं चाहूँगी कि इस आपके दूरदर्शन के माध्यम से युवाओं तक ये बात जरूर पहुँचाओ आप डेली टेलीग्राम्स देखते रहिए और अगर इससे अधिक जानकारी की जरूरत है तो आप जरूर डिबरेट आए मुझसे मिले ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसके बारे में ले मैम इसकी कोई वेबसाइट है जिसके जरिए हम जान सकते हैं उस पर जी 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 इसकी वेबसाइट जो है ये डब्लू स्वयं एस डब्ल्यू ए वाई ए एम डॉट ए सी डॉट इन अच्छा ये जो वेबसाइट है इसका यूआई उससे जुड़ सकते हैं और इसमें जो जो जितने कोर्सेज हैं करीब करीब तीन सौ से ऊपर कोर्सेज इसमें ऑफर होते हैं अच्छा। तो युवाओं जो है अपनी रुचि के हिसाब से इसमें से कोर्सेज कोर्सेज चूज करके रजिस्टर मैम कर ये सब फ्री तो इसीलिए मैंने कहा अच्छा। कि पढ़ना फ्री है फ्री है सर्टिफिकेशन अगर आप चाहिए तो हजार रुपए का एक फी होता है जो आपको एग्जाम अच्छा। रजिस्ट्रेशन करना होता है और एग्जाम रजिस्ट्रेशन के बाद आपके सेंटर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड सेंटर्स में एग्जाम होते हैं तो डिब्रेड भी उसमें एक सेंटर बनता है बाकी जानकारियाँ आगे आगे आपको मिल जाती रहेंगी आपको मेल्स आते रहेंगे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड करिकुलम स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस इसमें असाइनमेंट्स होते हैं जो जमा करना होता है और इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको आई ही देते हैं अच्छा तो ये बहुत अच्छी बात है मैम जो बच्चे रेगुलर क्लासेस जाते हैं उनके सर्टिफिकेट्स और इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दोनों इक्वल इम्पॉटेंट होते हैं बिल्कुल importants. और ये सर्टिफिकेट्स क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्सेज़ है तो आप अपने रेगुलर कोर्सेज के साथ इनको चला सकते हैं और ये सर्टिफिकेट जो है इंडस्ट्री रिकगनाइज है मतलब आपको नौकरी पाने में भी आपको मदद कर सकती है जी मैम बिल्कुल अगर जो आप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल ही जो हम नॉर्मल रेगुलर जो करते हैं कोचिंग वैसे ही होता जी, है जी 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 अच्छा. और ये सारे जो क्लासेस लेते हैं आई के प्रोफेसर्स लेते हैं तो बहुत क्वालिटी कोर्सेज होते हैं कितने प्रोफेसर्स मैम इस इसमें जुड़े हुए हैं ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें करीब करीब आप समझ लीजिए शायद पाँच से ज़्यादा प्रोफेसर्स इसमें जुड़े हुए हैं और सारे इसी आई आई टी के प्रोफेसर्स हैं जो अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड है और इस तरह के कोर्सेज वो पढ़ाते हैं मैम इसके बारे में तो हमने सुना था लेकिन बड़ी गहराइयों से आज हमने आपके ज़रिए ही जाना है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके माध्यम से इस जानकारी को ज़रूर बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूँगी कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिब्रेट आइए और हम आपको जानकारी मुहैया कराएँगे जी अच्छा शाबनी जी आप आ, बहुत सारे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई है तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि होता है कि आ, लोग करते हैं गवर्नमेंट जॉब लेकिन कई सारे छोटे छोटे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ जाते हैं उनका, उनकी इच्छा होती है जी देखिए मैं स्वामी विवेकानंद से बहुत इंस्पायर्ड हूँ अच्छा, स्वामी जी कहते हैं कि सर्विस टू गॉड इज सर्विस टू मैनकाइंड तो ये जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा फैक्टर है आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कार्य करते हैं शायद हम बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम बच्चों में वो शिक्षा तो प्रदान करते ही हैं बट ऐसे कुछ कार्य हैं जो आप समाज के लिए अनऑफिशियली भी आप कर सकते हैं जहाँ आप आपको प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप किसी की ज़िंदगी को अगर छू पाए तो ये बहुत बड़ी, बड़ी बात हो रही जैसे अभी हमने फर्स्ट अभी वुमेंस डे आसपास था तो आठ मार्च को था तो हमने फर्स्ट एवर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप कराया जो कभी इंद बिपो में नहीं है जी जी चेस एसोसिएशन के जरिए के थ्रू से हमने कराया बहुत ही स्ट्रक्चर वे में कराया हमारी जो सेक्रेटरी uh, मैम थी वो भी आई थी उन्होंने पहला मूव लिया बच्चों के साथ अच्छा। उन्होंने कहा कि माँ ये चेस जो है एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है और जो शायद इस तरह के मैनेजमेंट हम माँओं से सीखते हैं तो इस तरह के कार्यक्रम फिर बच्चों में थोड़ा सा पेंटिंग कंपटीशन करा लिया सेल्फ कंपोज पोयम करा लिया छोटे बच्चों के लिए करवा लिया फिर कुछ कंप्यूटर कोर्सेस में हमने उनकी मदद कर दी तो ऐसे जो है हम सामाजिक कार्यों से छोट छोटे छोटे कार्यों से जुड़ते हैं या कहीं महिलाओं के को पथ प्रदर्शन कर दिया तो ऐसी छोटी चुट छोटी कार्य हम करते हैं समाज के लिए कि जहाँ हमको लगता है कि हम अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट समाज के लिए कर पाए तो शायद इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती क्योंकि सब हम अपनी जिंदगी में तो बिजी रहते ही हैं लेकिन थोड़ा सा समय आप अगर निकाल पाए और शायद निकलता है ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगी जहाँ चाहे वहाँ रहा है जी जी मैं। जी। कभी कभी ऐसा होता है मैम कि हम किसी और की मदद कर लेते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती जी है। जी शायद उससे बड़ी शांति कुछ हो नहीं सकती क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं वो तो आपका नित्य काम है और उसके लिए आप यू आर पेड फॉर इट बट जहाँ आउट ऑफ़ दी वे के आप छोटी सी भी अगर मदद किसी के लिए कर पाती किसी बच्चे को आपने हेल्प कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात होती है शाबनी जी आप इतनी हाईली एजुकेटेड है तो इन सब की तैयारियाँ जो हैं आपने किस प्रकार से की क्या आपने पहले से सोच रखा था कि एक के बाद एक मुझे इस तरह से स्टडीज़ करनी है जी देखिए ये तो एक जिद की बात होती है शायद मुझे किसी ने कहा मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे ही हल्के मोड में ही कहना चाहूँगी कि आप तो सलमान खान है आप ठान लेती हैं तो कर लेती हैं मुझे किसी ने कहा वो दबंग शायद उस मूवी के बाद मतलब जस्ट ऑन दी लाइटर साइड लेकिन एक चीज़ है कि आपको अपने मन में जो है लक्ष्य बांधना है अच्छा एंड यू हैव टू चेज इट यू हैव टू हैव ड्रीम्स यू हैव टू हैव एस्पिरेशंस एंड यू हैव टू चेज़ इट अंटिल नंदस यू चेज इट आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगी अच्छा। देखिए सब हम ओवरबर्डन तो है सभी बहुत कामों में बिजी हैं लेकिन अपना जो ग्रोथ है वो बहुत ज़रूरी है हमने, हमने कई साल पहले मैंने एक यू का एक वर्कशॉप किया था जिसमें हमसे पूछा गया था हम ओनली इट वाज ए लेडीज़ सेंट्रिक वर्कशॉप इस तरह के प्रोफेशनल लेडीज़ थे उन्होंने उन, उन्होंने उन्होंने पूछा कि आप अपना ड्रीम बताइए आप क्या बनना चाहती तो किसी ने कहा मैं बेहतर माँ बनना चाहती हूँ मैं बेहतर टीचर बनना चाहती हूँ मैं ये करना चाहती हूँ वो करना चाहती हूँ लेकिन उन्होंने कहा कि जनरली लेडीज़ जो है सोचना ही नहीं चाहती कि मैं कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ क्यों नहीं। आप ये नहीं सोचती उन्होंने कहा तो मैं देखना ही नहीं जी चाहती। सपना देखना ही नहीं चाहती या शायद घबराती है बोले आप ये क्यों नहीं सोचती कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को हेड करना चाहती हूँ तो बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है अभी मैं एक सर्वे पढ़ रही थी जिसमें हमने देखा कि हांगकॉन्ग यू जैसे बहुत उन्नत शहरों में भी फिफ्टी महिलाएं जो है अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है 50 परसेंट महिलाएँ वर्क में जेंडर इनक्वालिटी को फेस करती हैं 60 प्रतिशत महिलाएँ सोचती है कि मुझसे मैथ सब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं। हम समाज हमें कमज़ोर करती है नहीं करती है मैं शायद इस मन से नहीं बोल पाऊंगी लेकिन हम अपने आप को कमज़ोर कई बार कर लेते हैं अपने आप जिससे हमें बचना चाहिए जिससे हमें बचना चाहिए हम कमज़ोर नहीं हैं हम बहुत सशक्त हैं ये कॉन्फिडेंस अपने आप में रखना चाहिए क्योंकि अगर हम एक माँ को देखें माँ हर चीज़ से लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए तो वो कॉन्फिडेंस अगर हम अपने माँ में देखते देखिए सिर्फ शिक्षा या शिक्षित हो जाने से ही शायद आप सशक्त हो जाएंगी ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत रखना होगा और जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये हम अलाउ ही क्यों करें समाज हमारे साथ क्या कर रहा है बहुत कुछ हम डिसअलाउ भी कर सकते हैं जैसे छोटी सी एक मैं एग्जाम्पल दूंगी पैंट्स या कुर्तीज में या शर्ट्स में पॉकेट मैं एक सर्वे कर मतलब पढ़ रही थी मुझे अच्छा लगता है ये पढ़ना mm -hmm. तो यूजुअली वी हैव सीन कि मेल ड्रेस आ, मेल ड्रेसेस यूजुअली हैव हाँ पॉकेट्स mm -hmm. लेकिन ये फीमेल के ड्रेसेस में आज के डेट में आप देखिए पॉकेट्स आने लगे mm -hmm. शुरुआत ये हुआ एक फैशन स्टेटमेंट से बट ये मोर देन फैशन ये एक ज़रूरत है जरूरत क्योंकि महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं बाहर जाती है तो बहुत कुछ पॉकेट्स में कैरी करना क्यारी जरूरी करना है।, है तो ये सोच जो है हमें अपने आप में लाना होगा इट्स मोर इट्स नॉट ऑफ अ फैशन स्टेट में इट्स मोर ऑफ अ नीड फॉर अस तो ये है हम अपने बारे में हमको सोचना होगा हमें सशक्त करना होगा बाहर से कोई हमें सशक्त नहीं कर सकता है हाँ बाकी वर्क प्लेस में है ठीक है साब, आप सबको बराबरी का दर्जा देना है देना चाहिए और ये शिक्षा या ये सीख शायद हम घर से ही शुरू कर सकते हैं जैसे हम बेटियों को शिक्षा देते हैं मैं दो बेटों की माँ हूँ शायद ये शिक्षा हम घर से ही दें तो शायद समाज आगे जाके बहुत अच्छा हो दोनों की हमारी महिलाओं में मैम कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है जी, आज भी। बहुत कमी है और ये सर्वे बोलता है इतनी इंस्पिरेशन है उसके बावजूद भी है कहीं जी, ना कहीं कमी जी जी ये तो है और ये शायद हम डिनाई नहीं कर सकते मैं आ, हाल ही में अभी वुमेंस डे पे ही मैं कुछ पढ़ रही थी तो मैंने देखा एक छोटा सा मैं वाक्य यहाँ पर बोलना चाहूँगी एक महिला थी जिन्होंने तीसरी भी बेटी को जन्म दिया जी उनसे कह दिया कि अगर तीसरी बेटी हुई तो शायद आपको घर पे नहीं लिया जाएगा ये मतलब रियल स्टोरी है मेन लैंड इंडिया से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी तो तीसरी अगर बेटी हुई तो आपको शायद घर में डिसअलाउ कर दिया जाएगा तो ऐसा है तो कुछ भी कर लो लेकिन आप दो ही बेटी के साथ आप रहे तो तीसरी बेटी लेकिन वो माँ ठान लेती हैं कि मैं इस तीसरी भी क्योंकि बच्ची हुई तो इस बच्ची के लिए मैं पूरे समाज से लड़ जाऊँ ये है सशक्त महिला ये है सशक्त महिला और शायद ये माँ जो सोचती है ये जो कॉन्फिडेंस या ये जो, जो जोर माँ में होता है शायद इससे हमको बड़ी सीख लेनी चाहिए बिल्कुल मैम जी जी अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि आ, कई सारे पेरेंट्स जो है कई बार बच्चों से पूछते हैं आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं लेकिन आ, बच्चों के पास जवाब नहीं होता वो पूछते हैं कि आ, आगे सोचेंगे अब टाइम तो है लेकिन वो कौन सी एज है या फिर छात्र छात्राओं में वो कौन सा क्लास है जिसमें बच्चे जो है वो अपने आप में फोकस करें कि नहीं मुझे आगे चल कर ये बनना है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर बनना चाहता हूँ जो भी मतलब किस उम्र से बच्चों को एक ठानने की ज़रूरत ताकि वो अपने फ्यूचर में जो है फोकस करें। जी, मैं ये the sooner is better. जितना जल्दी आप सोच ले उतना अच्छा है लेकिन हाँ बचपन बचपन की तरह गुजरना चाहिए हम बच्चों को ओवर बर्डन ना करें बच्चों का जो नेचुरल जो लाइन है बच्चों को वो पकड़ने देना चाहिए क्योंकि बच्चे हम शायद समाज में ये सोचते हैं कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए तो ही लाइफ में सक्सेसफुल है लेकिन ऐसा नहीं है हमको बच्चों के टैलेंट को टैप करना चाहिए उनको जो है हमको कंसर्ट करके एक दिशा देनी चाहिए किसी में स्पोर्ट्स का टैलेंट हो सकता है किसी में इंजीनियरिंग नैक हो सकता है किसी में मैथमेटिक्स मतलब जनरल साइंस भी परस्यू कर सकता है तो ये टैलेंट्स को हमको समझते हुए जो है उनको टैप करते हुए उनको कंसर्ट करके एक चैनलाइज करके एक लाइन भी ले जाना चाहिए इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है ना कि हम थोप दे बच्चों पर अपना जो चाह है हम नहीं कर पाए तो मेरी बच्ची कर जाएगी या मेरा बेटा कर जाएगा तो ये जो है हम शायद बचपन से ही बच्चों का टैलेंट के हिसाब से हम उसको टैप करें और उसका एक निश कार्व कर एक लाइन कार्व करें उसके लिए ताकि वो चैनल को पकड़ के जाए हाँ मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि लाइफ इज़ ऑलवेज़ नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस जी मैनी टाइम्स लाइफ कम्स बाई चांस तो आपको जो मौका मिलता है उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए और उस पर आप एक्सेल कीजिए हमेशा हम जो चाहते हैं शायद जीवन में हमें नहीं, नहीं मिलता है।, है।, है तो हमें जो मिलता है उसमें हमको अपना बेस्ट देना चाहिए ये नहीं कि हम डिप्रेशन में चले जाए या रोते रहिए मैं करना नहीं चाहती थी और यही मुझे करना पड़ा ऐसा नहीं है जीवन में आप सब कुछ कर सकती हैं आपको जो मिला है आप उसको नर्चर कीजिए उसको अपना बेस्ट दीजिए जितना अच्छा कर सकती है कीजिए उसमें आप अपना जो है एक्सल कीजिए जी मैं, मैं मैं मेरा ये पर्सनल मानना है जी मैम बहुत अच्छी बात कही आपने श्रावणी जी मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ, की आप एकमात्र कोऑर्डिनेटर हैं तो इसके बारे में कुछ बताइएगा जी देखिए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बहुत जैसे रेडियो बहुत बड़ा माध्यम होता है ये डिज़ास्टर के टाइम पे जब सुनामी आई थी तभी ये एक सोच जो है द्वीपों में ऐसे मान के हम चल रहे थे कि ऐसा कोई माध्यम हो जब इस तरह के सिचुएशन में जब सारे माध्यम जो है हट जाए या या ना मिल पाए तब रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम होता है क्योंकि उस समय भी मुझे याद है प्रादेशिक समाचार जो है कैम्बल में भी लोग सुनते थे और उसी के जरिए जो है कई जानकारियाँ इकट्ठा करते थे या अपनों के बारे में लोग जान पाते थे तो ये सोचते हुए हमने कम्युनिटी रेडियो का ये प्रोजेक्ट जो है सेटअप किया या आईलैंड में पहला रेडियो स्टेशन जो हम चला रहे हैं इसमें छोटी छोटी जो समाज से रिलेटेड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि समाज के लोगों को इन्वॉल्व करें या समाज के लिए कार्यक्रम जो मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं जुड़ पाते जैसे ऑल इंडिया रेडियो हो गया डी डी के हो गया सभी लोग तो नहीं जुड़ पाते हैं तो ऐसे लोग जो नहीं जुड़ पाते हैं उनको हम इस माध्यम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक पब्लिक इंटरेस्ट में जो जानकारियाँ हैं जैसे शिक्षण जानकारियाँ डॉक्टर्स से बातचीत पढ़ाई के जो काउंसलिंग मैटर्स है माताओं से बातचीत बच्चों को कैसा बढ़ा करें इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो छोटी छोटी इस तरह की जानकारियाँ जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो आम आदमी जानना चाहता है उस तरह के कार्यक्रम हम इससे चलाते हैं जी शामनी जी हमने सुना है कि आप रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन से भी काफ़ी जुड़ी हुई हैं तो किस तरह के आप कार्यक्रम करते आ रही हैं देखिए मुझे अगर पर्सनली कहे तो आई लव रेडियो जी नो डाउट अबाउट इट मैं बहुत साल रेडियो से जुड़ी रही बहुत साल मैं न्यूज़ रीडिंग करती थी रेडियो में और दूरदर्शन में जैसे लाइव इंटरव्यूज़ हो गए या लाइव नेशनल डेज पे टेलीकास्ट हो गया तो इस तरह के कार्यक्रम मैं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मीडिया से जुड़ना मैं अपने काम के साथ साथ इसको भी बहुत इन्जॉय करती हूँ क्रिएटिव वर्कस जिनको मैं इंजॉय करती हूँ जी खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं शौक क्या क्या है आपके देखिए खाली वक्त तो शायद बहुत कम ही मिलता है क्योंकि ऑफिस में भी मैं थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ और उसके बाद मैं पढ़ना पसंद करती हूँ जैसे इस तरह के जो जैसे मैंने बताया सर्वेस पढ़ना थोड़ा सा वेब ब्राउज करती हूँ ताकि जानकारियाँ ले सके बाकी अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट करना इसी तरह के कार्य में करती हूँ और थोड़ा सा गाना सुनना ऐसे मैं करती हूँ तो क्योंकि खाली वक्त को भी मैं इंगेज ही रखती हूँ कि थोड़ा थोड़ा अपना डेवलपमेंट कर सके फिर बच्चों के साथ मैं बिताती हूँ कि छोटे बच्चों को थोड़ा सा गेम्स करा लिया या बच्चों के साथ बैठ गए इस तरह के कार्यक्रमों से मैं जुड़ती हूँ जी श्रावणी जी आप एक लेक्चरर होने के साथ साथ आप कई सारे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई है तो ऐसे में आप किस तरह से सब कुछ मैनेज करते हैं किस तरह बैलेंस कर पाती हैं आप क्योंकि आजकल कल के जो महिलाओं में देखने को मिलता है कि वो दफ्तर से घर घर से दफ्तर वो इतनी बिजी हो जाती हैं थक सी जाती है तो ऐसे में वो अपने पैशन को भी जिंदा नहीं रख पाती और शौक भी कहीं और चले जाते हैं जी देखिए एक चीज़ है आप महिला हो या पुरुष आप जो भी काम करती हैं आपका एक दायित्व होता है और ये शायद आपको बोलना या घर पे भी समझाना ज़रूरी होता है क्योंकि आप जिस वर्क प्लेस में हैं योर और इम्पोर्टेंट टू दैट वर्क आप वो नहीं करेगी तो शायद वो नुकसान होगा और शायद आप अपना दायित्व निर्वाह ठीक से नहीं कर पाएंगी तो ये है अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हुए घर को भी बैलेंस करना और थोड़ा सा घर पर यू हैव टू डिक्लेयर इट कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेरी ही जिम्मेदारी है क्योंकि जनरली ये देखा गया कि लेडीज़ का सेट अन सेट एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रह ही जाती है घर पे लेकिन ये आपको बताना होगा कि शायद अगर मुझे घर पे देर ऑफिस में देर हो रहा है तो थोड़ा सा घर को भी दूसरे मेंबर्स को भी थोड़ा दायित्व लेना होगा तो ये मैं सोचती हूँ कि इस तरह से और घर का सपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है इसमें नो डाउट अबाउट इट आपके पेरेंट्स आपके इन लॉज़ आपके हस्बैंड आपको अगर सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और थोड़ा सा समय आप अपने आप के लिए भी निकालिए ये भी बहुत ज़रूरी है तो ऐसे समय जो आप ऑफिस से आती हैं थोड़ा सा अपना ब्रेक ले लें और फिर जहाँ कोशिश करें संडेज़ के दिन पे या छुट्टियों के दिन पे थोड़ा सा समय निकाल कर आप समाज की सेवा में लगी तो कर सकते हैं और फैमिली के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो पाता बिल्कुल है। फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा बहुत सपोर्ट है बहुत बड़ा सपोर्ट है शायद वो पुरुष के लिए कह लीजिए या महिला के लिए कह लीजिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है फैमिली तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद परिवार कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि आप शायद चार घंटे अपने बच्चे को दे पा रहे थे तो अभी दो ही घंटे दे पा रहे तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चा भी सीखता है अडाप्ट करना अडाप्ट करना कि हर चीज़ वो एक्सपेक्ट करता है कि माँ ही मुझे करके देगी तो इन दी लॉन्ग रन आप अपने बच्चे को भी सिखाते हैं कि कुछ की कुछ जिम्मेदारियाँ आपको खुद भी लेनी है कुछ माँ करेंगी कुछ खुद भी करेंगे कुछ पापा करेंगे लेकिन ये एक ट्रेनिंग है बच्चों के लिए भी क्योंकि बच्चा भी टू मच अगर डिपेंडेंट हो जाएगा तो बड़े होकर शायद अपने पाँव पे उतना नहीं खड़ा रह पाएगा जितना अगर वो सीख के बढ़ता है तो ये सेड आंसर्ड एक ट्रेनिंग भी बच्चों की हो जाती है तो थोड़ा सा आपको बताना होगा क्योंकि आप भी समाज में एक प्रतिष्ठित एक पोजिशन में हैं और उस जगह को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है कहीं आपको ज्वाइन करना या कोई किसी जॉब में घुस जाना इज़ नॉट द बिग थिंग वो तो आप करी बट उसको सस्टेन करना और वहाँ से आगे बढ़ना मतलब बी प्रोग्रेसिव इन योर थाट्स और उसको सस्टेन करने के लिए आपको दोनों वर्क लाइफ बैलेंस करना और जहाँ हम बैलेंस करते बैलेंस की बात करते हैं तो कहीं झुकता है तो कहीं उठता है फिर इधर झुकता है तो उठता है तो ये बैलेंस आपको करना होगा इसमें परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और ख़ुद को भी वो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है मतलब आप सब चीज़ मैं ही कर लूँगी ये सोच रख के मत चलिए तो थोड़ा सा परिवार जो है बैलेंस करके चले तो चलो होता है शाबनी जी जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस की लेक्चरर हैं तो आप कैसे बच्चों को एडवाइस देंगे कि वो किस तरह से इस कोर्स को कर सकते हैं और इस कोर्स में आने के बाद किस तरह के स्कोप्स हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं जी सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि इस कोर्स में आपको हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है आप सिर्फ पढ़ लिए पेपर में पढ़ लिए और लिख लिए इससे आप आपकी जो है करियर तो बनने वाली है नहीं साथ में ये जिस तरह मैंने एन पी के कोर्सेज बताए जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो फ्यूचर स्किल टेक्नोलॉजीज है जैसे ए हो गया ब्लॉकचेन हो गया देन आपका ए आर हो गया इस तरह के टेक्नोलॉजीज पे आप एडिशनल कोर्स लें जो भी आप कोर्स कर रही हैं कोर्स लेते हुए आप अपने करिकुलम को पूरा कीजिए और उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा। तो आप जिस तरह भी जहाँ भी पढ़ाई कर रही हैं जो भी पढ़ाई कर रही है थ्योरी के साथ साथ ज़्यादा फोकस आप प्रैक्टिकल पे करें और अपना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जरूर करें कि बात करना कैसे इंटरव्यूज़ कैसे अटेंड करना तो इस तरह के कोर्सेज भी एनपीटीएल में अवेलेबल है अच्छा दैट हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनलिटी हाउ टू इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स इस तरह से आप अपने आप को डेवलप करें और ये जो एरियाज़ जो मैंने बताया फ्यूचर स्किल टेक्नोलॉजीज जैसे ए हो गया डेटा साइंस हो गया मशीन लर्निंग हो गया ब्लॉकचेन हो गया ए आर हो गया एक्सटेंडेड रियलिटी जो इमर्सिव टेक्नोलॉजी जो गेमिंग फैक्टर्स हो गए जो गेम्स जो, जो, जो बनते हैं ऐप डिज़ाइनिंग तो ये सारे एरियाज में आप एक्सेल करेंगी तो जरूर आपके करियर में आप बहुत अच्छा करेंगी तो सारे ये सारे बिल्कुल बिल्कुल जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है इस एरिया में और शायद कंप्यूटर और आईटी स्किल्स जो है आज के डेट में इंटर स्किल्स हो गए मतलब ये प्योर डिसिप्लिन नहीं रहा आज के डेट में आप कोई भी पढ़ाई कर लो कॉमर्स कर लो आर्ट्स कर लो सिविल कर लो कुछ भी कर लो आईटी स्किल्स उसमें ज़रूरत पड़ती ही है तो ये एक मल्टी uh, स्किल जैसे हो जाता है तो आप इसमें अपने आप को इक्विप कर लेती हैं तो जरूर से आप अपने आप को करियर रेडी करती हैं जी श्रावणी जी शिक्षण पद्धति में और कितनी सुधार करने की ज़रूरत है जिससे बच्चे और अच्छे परसेंटेज लाए और अच्छे से पढ़े देखिए शिक्षण पद्धति डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है इसमें इन्वॉल्व लर्निंग फिर अपने जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको पढ़ाई के अंदर लाकर जो है उसको एम्बाइब करते हुए आगे पढ़ना क्योंकि हम कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं हमारा देश और हम वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में शायद अपना पिछ पिछला जो सांस्कृतिक जो सुधार है उसको हम भूल रहे हैं तो ये जो है अभी आज के डेट में शिक्षा पद्धति बहुत सुधार की इन्वॉल्व लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल्स हैंड्स ऑन ये सब जो है बहुत बड़ी बातें हैं जो आज के डेट में नॉर्मल शिक्षा के साथ ये इम्बाइव हो रही है और ब्लेंडेड लर्निंग जो मोड है ऑनलाइन ऑफलाइन जो ब्लेंडेड लर्निंग मोड है ये जो है आज के डेट में एक बूंद की तरह है आप घर बैठे भी कहीं जा नहीं पा रही बट घर बैठे भी अपना जो है करियर आगे बढ़ा सकती हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो शायद आज की शिक्षा पद्धति में आ चुकी है मतलब यू आर कंप्लीटली इट तो ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि जब तक आप अपने हाथ मैले नहीं करेंगे मतलब हैंड्स ऑन स्किल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड रहेगा जी मैम मैम जो महिलाएं हैं जो घर पर खाली बैठे हुए हैं कुछ नहीं करती हैं सिर्फ घर के काम में जो है बिज़ी रहते हैं आप उनसे क्या कहना चाहेंगे किस तरह से वो जो है आगे बढ़ सकते हैं वो अपने सपनों को फुलफ़िल कर सकती हैं जी घर के कामकाज के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा स्किल जो है अपने अपना सीखें सिलाई कढ़ाई हो गया फैशन डिजाइनिंग हो गया या जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में से आप जुड़ सकती हैं आज के डेट में मैंने देखा मेहंदी <laughs> जो आज अभी शादी जो है, है हाँ शौकीन सभी. है इसको भी आप अपना जो है छोटे छोटे बिजनेस के तौर पे इसको कर सकती हैं और पर्टिकुलरली आप अपने छोटे छोटे स्तर पे ही मीडियम स्केल पे ही या स्मॉल स्केल पे ही या छोटे छोटे उद्यम कर स्थापित करके आप अपने आप को सर्टेनली आगे बढ़ा सकते हैं तो ज़रूरी है कि इंटरेस्ट है हाँ इंटरेस्ट रहे और कुछ ऐसे ऑन्टरप्रन स्किल्स स्किल्स जैसे हेम्सॉन्स स्किल्स जो आप डिलीवर कर सके इस तरह से कर सकती हो और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी महिलाओं के लिए पर्टिकुलरली फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है महिलाएँ अप, अपने जो है वित्तीय शिक्षा के बारे में बहुत जागरूक नहीं हैं अब बहुत पढ़ी लिखी होना जरूरी नहीं है लेकिन फिनंस मैनेजमेंट जो आप यूजुअली घर पे करती है उसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करके आप अपने आप को फिनंशियली लिटरेट अगर करती है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो अपने आप में जो है आपको एक मोटिवेट कर देगा कि कैसे मैं अपने पैसे को आगे बढ़ा सकती हूँ कैसे मैं थोड़ा कमा सकती हूँ अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ और अपने अंदर भी एक आनंद की अनुभूति कर सकती हूँ तो ये बहुत ज़रूरी है जी तो शावनी जी आप इस कार्यक्रम में आई और हमारे दर्शकों को और हमें अपने प्रोफेशन से जुड़ी और अपने बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ सारी साझा किया कार्यक्रम में आने के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए हम अपने पूरे दूरदर्शन की टीम की ओर से आपको धन्यवाद करना चाहेंगे नमस्कार दर्शकों जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त हमारे पास बहुत कम है इस थोड़े से ही वक्त में हमें अपने लिए और अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है इसलिए थोड़ा करें लेकिन बेहतर करें क्योंकि कुछ अच्छा करने पर ही हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करेंगे इसी सुविचार के साथ मैं आप सभी से पुनः कहना चाहूँगी कि अब दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के जो कार्यक्रम है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो चुके हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम को टेलीविजन के अलावा अपने मोबाइल सेट पर भी देख सकते हैं इसके लिए एक्स हैंडल पर जाकर हमें फॉलो करें एट डी डी के अंडर स्कोर पोर्ट लाइक करें हमारा फेसबुक पेज हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर यदि इस कार्यक्रम को आप सीधे लाइव देखना चाहे यदि दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं सब्सक्राइब करें हमारा YouTube YouTube चैनल चैनल हमारा है दूरदर्शन केंद्र और यदि आप इस कार्यक्रम के प्रति कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर ए आई आर रोड दिलानीपुर हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है एचओ पी डी डी पोर्ट ब्लेयर एट जी मेल डॉट कॉम तो दर्शकों घर बाहर कार्यक्रम के अगले अंक में एक नई अतिथि के साथ आपसे पुनः होगी मुलाकात तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार